हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ अमेजिंग अमेजिंग लड्डू की रेसिपी। आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग लड्डू बने हैं। इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू मैंने आज बनाया है, तो इसके लिए हमें लिया है मूंगफली के दाने। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिए हैं मैंने मूंगफली के दाने। इसको मैंने एक दिन पूरे धूप में रखा था। इसके बाद इसके छिलके मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं। तो 1 कटोरी भर के हमने यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के जगह आप आलमंड या फिर काजू का यूज़ भी कर सकते हो, उससे भी ये वाले लड्डू बन सकते हैं। तो हम मूंगफली को अच्छे से पहले फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसे अच्छे से सेकेंगे, तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से सॉटे करना है। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, 5 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तब क्या करेंगे, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से इस तरह से घुमाते रहेंगे। इस तरह से इसे अच्छे से घुमाते रहो और ठंडे होने के बाद इसका हम पाउडर बनाएंगे। पाउडर हमें दरदरा रखना है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इस लड्डू को बनाने के लिए क्या लेंगे, गुड़। इस वजह से क्योंकि हमें इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम अपना ये लड्डू बना रहे हैं, तो नेचुरल जैगरी हमें यूज़ करनी है, शुगर का यूज़ हमें नहीं करना है। आपके पास ये वाला जो रेड वाला कॉफ़ी टाइप का जो गुड़ आता है, ये जो गुड़ है वो नेचुरल आता है और ये गुड़ हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। येल्लो टाइप का गुड़ आपको नहीं लेना है। और इसके साथ हमें लेना है थोड़ा सा घी, जो घर का बना हो। घर का बना घी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और ये देसी घी होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो इसे हमें दरदरा पीसना है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, आपको इसे खाइनी दस्ते में ही पीसना है, इसे आपको मिक्सर में नहीं पीसना है। क्योंकि अगर आप मिक्सी में इसे पीसते हो तो ये बहुत ही बारीक हो जाता है, तुरंत ही इसका बारीक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आपको इसी तरह से दस्ते में पीसना है ताकि हमारे आधे टुकड़े एकदम बारीक हो और आधे टुकड़े थोड़े बड़े रहे। इस तरीके से हमें इसे इस तरह से खुनना है। तो लगभग हमें इसे अच्छे से दरदरा कूटने में लगभग 5 से 6 मिनट लगे थे, तो इस तरह से हम इसे कूट लेंगे। तो इसे हमें दरदरा कूटना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, ये बात का आप ध्यान रखें। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से कूट लिया है हमने। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और एक बड़ी सी कढ़ाई इस पर रख देंगे और डालेंगे घी, जो हमने घर का बना घी लिया है उसका यूज़ ही हमें इस लड्डू को बनाने के लिए करना है। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबलस्पून जितना घी डाल दिया है। इसके बाद हमें इसमें डालना है गुड़। फ्रेंड्स याद रखिए, ये जो लड्डू है आप इस टाइप के गुड़ से ही बनाए। आप येल्लो टाइप के गुड़ से बनाते हो तभी भी चलेगा, लेकिन ये जो गुड़ आता है वो नेचुरल होता है और 100% नेचुरल होने से इसका जो बॉडी में असर है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये गुड़ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे हम मेल्ट होने तक पकाएंगे, तो स्लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है आपकी और इसे इस तरह से इसमें जो गुठलियाँ है सारी मेल्ट हो जानी चाहिए। हमारा पूरा जो हमने गुड़ लिया है वो मेल्ट हो जाए तब तक इसे हमें पकाना है। तो इसको हम घी के साथ इस तरह से पका लेंगे अच्छे से। इसे हमें घुमाते रहना है ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। गुड़ जो होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और लड़कियों के लिए ये बेस्ट रहता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही गुड़ का सेवन करने से हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी रहती है और हेल्दी रहती है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मूंगफली के जो हमने क्रश किए हुए दाने हैं वो। आप अगर बारीक फॉर्म में इसे क्रश करना चाहते हो और फिर लड्डू बनाना चाहते हो तो आप मिक्सी में इसे पीस सकते हो
और इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इस तरह से। इसमें आप चाहो तो तिल का यूज़ भी कर सकते हो, थोड़े से तिल डाल दो, कैस्यू का यूज़ कर सकते हो, आलमंड का यूज़ कर सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। इसे हम इस डिश में निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे हम थोड़ा सा ठंडा रूम टेम्परेचर पर हो जाए, हमारा हाथ इसे टच कर पाए इतना हमें ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये अच्छे से लड्डू नहीं बन पाएंगे, तो हम इसे चेक कर लेते हैं ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसके बाद इसका हम थोड़ा थोड़ा पार्ट लेने के बाद इसे हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखना ही है हमें। लड्डू बनाने से पहले हम हमारे हाथ पे थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अपने साइज़ के लड्डू आप बना सकते हो, छोटे या फिर बड़े। तो हमने मीडियम साइज़ के इस तरह से लड्डू बना लिए हैं, इस तरह से आपको लड्डू बनाने हैं। और इसे हमें डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पॉपी सीड्स ली है खसखस, जिससे इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा दिखता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। कोई कह भी नहीं सकता कि ये जो लड्डू है वो मूंगफली के लड्डू है, तो इसी वजह से मैंने पॉपी सीड्स से इसको कवर कर रही हूँ। तो ये है पॉपी सीड्स, तो यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून पॉपी सीड्स ली है और इस लड्डू को हम डाल लेंगे पॉपी सीड्स में और इस तरह से हिलाएंगे तो ये जो लड्डू है वो पूरा कोट हो जाएगा इस पॉपी सीड्स से। इसके बाद आप देख सकते हो इसका जो लुक है बहुत ही अमेजिंग आता है इस तरह से। तो इसे हम रख देंगे और सर्व करेंगे। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज में या फिर बाहर पूरे महीने तक खा सकते हो आराम से, और स्टोर करके रख सकते हो। तो इसे आप फ्रीज में रखोगे तो ये आराम से 3 से 4 महीने तक रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। और बाहर रखते हो तो 1 महीने तक आप इसको खा सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग लड्डू बने हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आशा रखती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को। ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आती रहती हूँ, तो मेरी चैनल के साथ बने रहिएगा। और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है अभी तक मेरी जर्नी में, उन लोगों को दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक तब तक के लिए बाय बाय।